नमस्कार। खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जी चला रहे हैं भुलक्कड़ लोग, लेकिन यहाँ भड़कना मना है। जी हाँ, सोचिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने के लिए कुछ ऑर्डर करें, थोड़ी देर बाद एक वेटर आए जो आपने ऑर्डर दिया है उसके बदले वो कुछ और लेकर आए तो क्या करेंगे? जाहिर है भड़क उठेंगे, लेकिन इस रेस्टोरेंट में ऐसा होने पर भड़कना मना है, बल्कि आपको वही खाना पड़ेगा जो वेटर लाएगा। इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट ऑफ ऑर्डर मिस्टेक। रेस्टोरेंट ऑफ ऑर्डर मिस्टेक टोक्यो का बेहद चर्चित रेस्टोरेंट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का सामना कर रहे लोगों को वेटर की नौकरी दी जाती है। 2 से 4 दिन तक यह रेस्टोरेंट ट्रायल पीरियड पर था, लेकिन अब यहाँ कस्टमर्स का आना जाना शुरू हो गया है। मजेदार बात यह है कि यह रेस्टोरेंट लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। यहाँ पर आए मिजुहा कोंदो नाम के एक कस्टमर ने हंसते हुए बताया कि हमें जब यह पता चला कि टोक्यो में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम अपने ऑर्डर के हिसाब से खाना बिल्कुल नहीं खा सकते, जो वेटर लाएगा वही हमें खाना पड़ेगा, तो हमें इसे आजमाना चाहा और वाकई यह अनुभव बड़ा मजेदार था। दरअसल इस रेस्टोरेंट का पहला मकसद डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का सामना करने वाले लोगों को वेटर बनाकर यह एहसास दिलाना है कि ये भी समाज का हिस्सा है। साथ ही यहाँ आने वाले कस्टमर को यह बताना है कि इतना मुश्किल नहीं है इन भूले भुलक्कड़ों से डील करना। अपनी मर्जी का तो हम रोज ही खाते हैं, कभी इन वेटर की मर्जी का भी खाए, क्या पता आपको ज्यादा मजा आ जाए। कुल मिलाकर लोगों को ये डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारी के बारे में जागरूक करने में रेस्टोरेंट लगा हुआ है। देखते हैं यह भुलक्कड़ वेटर वाला रेस्टोरेंट कितना सफल होगा। फिलहाल तो लोगों का दिल जमकर जीत रहा है।